सो भाई नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर ब्लॉग्स ऑफिशियल। दोस्तों आज हम आ चुके हैं भाई ओकिनावा शोरूम। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई ओकिनावा शोरूम में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर तो मिलने वाली है ना। और भाई आज का वीडियो होने वाली काफी खास, क्योंकि आज मैं आपको लेके आ गया भाई ओकिनावा की एक न्यू स्कूटर यहाँ पे आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये डेफिनेटली गाड़ी जो है काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर, क्योंकि भाई इसका जो रेंज है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो भाई चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूले, क्योंकि मैं आपको बाइक रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, कार हो गया, सबके बारे में बताता रहता हूँ। तो भाई ये है ओकिनावा की रिच 100। भाई आपको लग रहा होगा भाई रिच 100 कैसे है, रिच प्लस तो भाई इसका जो आता है एक वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, रिच प्लस का ये अपग्रेड वाली वर्सन है, यानी कि रिच 100 जैसे कि यहाँ पे ओकिनावा की तरफ से आ चुकी गाड़ी। तो भाई अगर देखा जाए तो ये जो गाड़ी यानी कि रिच 100 जो है, ये डेफिनेटली जो है रिच प्लस को रिप्लेस करने वाली है। और अभी तक जो है इस स्कूटर का वीडियो आपने देखा नहीं हुआ, तो मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ तो जरूर देखिए और जाने इससे न्यू ओकिनावा की न्यू लॉन्चिंग रिच 100 के बारे में। और इस गाड़ी में सबसे अच्छा जो फीचर वो है इसका रेंज। जी दोस्तों, इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है 150 का रेंज, जो कि कंपनी क्लेम करती है। तो दिखने में गाड़ी जैसे आप देख पा पूरी रिच प्लस जैसे लग रही है, यानी कि इसका जो फ्रंट का सेक्शन देखिए भाई, पूरी रिच प्लस जैसे आपको दिख रहा होगा, साइड से दिख रहा होगा, देखिए भाई साइड से आपको सेम सब कुछ सेम आपको मिलने वाला। लेकिन इसका जो रेंज अभी बढ़ गया है, यानी कि इसका जो बैटरी कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और ये जो भाई देख रहे हैं ना भाई, गार्ड वगैरह ये सब एक्स्ट्रा आती है। तो मैं आपको और चीज़ आपको बता दूँ, जिसको सुनने के बाद डेफिनेटली आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भी गाड़ी जो है अंडर 1 लाख की आती है। तो भाई अंडर 1 लाख में आपको 150 रेंज देने वाली स्कूटर आप इसको भाई पहली बार देख रहे होगे मार्केट में। तो चलिए भाई फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसका पूरा जो प्रोफाइल की बातें। तो फ्रंट में जैसे कि आपको यहाँ पे मिलता है रिच प्लस में वैसे रखा गया, इसका इंडिकेटर ऊपर में आपको मिल जाती है यहाँ पे। और इसका जो हेडलाइट का सेक्शन ये मिलेगा वो मिलेगा सेंटर में, जैसे कि देख पा रहे ये आपको मिलता है हेलोजन के साथ। तो भाई देख लो इसका हेलोजन की जो हेडलाइट यहाँ पे ओकिनावा का ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और भाई 10 इंच की टायर जैसे कि आपको रिच प्लस में मिलता था वैसे आपको मिलने वाली है रिच 100 में, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्क का ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा इसका ऑल व्हील का सेक्शन। बाकी साइड में देखेंगे तो सब कुछ आपको वही रिच प्लस जैसा आपको लगने वाला है, बस एक ही डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि भाई इसका जो स्टिकरिंग रिच 100 यहाँ पे लिखा गया है रिच प्लस के बदले, क्योंकि भाई ये रिच 100 है ना इसलिए। बाकी सीट के ऊपर आपको यहाँ पे ओकिनावा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है भाई। यहाँ पे देखिए आपको जो अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, छोटा सामान भी आप यहाँ पे रख के लाना ले जाना भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रिफ्लेक्टर ये रहा। एंड अगर दिखाऊं उसका पीछे का टायर भाई, ये रहा इसका पीछे का टायर, इसमें भी आपको मिलता है 10 इंच की टायर, ओके। और मोटर का जो सेक्शन है इसमें अटैच किया गया है, सस्पेंशन ये रहा। और पीछे भी आपको मिल जाती है भाई हेलोजन की टेल लाइट। और ये एक रजिस्टर स्कूटर है, मैं आपको बता दूं, यानी कि नंबर प्लेट आपको मिलने वाली है। और भाई अगर मैं बात करूँ बाकी फीचर्स की, जैसे ये रहा इसका क्लस्टर का एरिया, तो क्लस्टर से पहले इसका की देख लीजिए, इस टाइप की आपको मिलने वाली है रिच 100 में। और ये रहा इसका क्लच, जैसे कि आपको प्रेज प्रो में मिलता है सेम सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला, यानी कि बैटरी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, टोटल किलोमीटर हो गया ट्रिपे यहाँ पे, स्पीडोमीटर यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको सेम ही मिलेगी। बाकी ये रहा इसका स्विचेस वगैरह, हाई बीम लो बीम, ठीक है ना। और ये इसका हॉर्न, यहाँ पे भी हॉर्न, दोनों साइड में आपको हॉर्न मिलने वाली है, जैसे कि आपको प्रेज प्रो में मिलता है। दो मोड आपको मिलता है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इको एंड स्पोर्ट मोड। तो अभी दिखाते हैं इसका जो स्पीड कितना क्या है इससे स्कूटर का, अभी जैसे कि है इको में चलाते हैं, ठीक है ना। तो इको में जैसे कि देख पा रहे 33 किलोमीटर पर आवर का इसका मैक्सिमम स्पीड है। अभी करते हैं स्पोर्ट्स में, तो वही स्पोर्ट मोड में ये गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 47 किलोमीटर पर आवर का। अभी करते हैं इसको बंद, क्योंकि भाई बैटरी का जो है स्टेटस कम दिखा रहा है, ओके।
तो ये तो हो गए भाई स्पीड की बातें, गाड़ी आपने देख लिया। सिंगल सीट आपको यहाँ पर ऑफर करती है, जैसे कि आप पूरी प्लस में मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। ग्रैब रेल यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आपको मिलने वाली है। और अभी बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। एक छोटा सा यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाती है, देखिए ये रहा, तो छोटा सामान रख सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहने वाली है। और एक लगेज हुक यहाँ पे भी दी जा रही है। तो जैसे कि मैं बता रहा था इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अभी करते हैं इसका सीट को ओपन। तो भाई ज़्यादा रेंज तो ये रहा इसका भाई, जो फ्रंट में यहाँ पे डालते हैं ना मैट, तो ये भी आपको मिलने वाले बाइक के साथ, एम स्कूटर के साथ। तो इसका जो बैटरी का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी आपको मिलने वाली है, रुकिए आपको दिखा दूँ इसका बैटरी का सेक्शन, काफ़ी बड़ी बैटरी अभी आपको मिलेगी इस गाड़ी में, यानी कि स्कूटर में, जो कि 60 वोल्ट एंड 52 एच की लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे अभी मिलने वाली है इस स्कूटर के साथ, जो कि लगभग आपको डबल जो है देखने को मिलेगी अगर मैं कंपेयर करता हूँ रिच प्लस से, ठीक है ना। तो इसीलिए इस स्कूटर का जो रेंज 150 किलोमीटर का जो है कंपनी क्लेम करती है। अभी करते हैं इसको बंद। बाकी ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको सीट के नीचे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैटरी के बारे में, और अभी रेंज तो आपने जान लिया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसका चार्जिंग टाइम कितना क्या है, यानी कि रिच 100 का। तो भाई इसका जो चार्जिंग टाइम है, यानी कि सिंगल चार्ज में जो जाएगी 150 किलोमीटर, इको स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इको स्पीड चला के तो भी जाएगी, स्पोर्ट में चलाओगे तो थोड़ी सी जो है इसका रेंज कम हो जाएगी। तो इसका चार्जिंग टाइम आपको डालना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रिसिटी में 3-4 आवर्स का ये जो है चार्जिंग टाइम लेगी फुल चार्ज होने में। तो अगर देखा जाए कंपेयर करते हैं तो रिच प्लस से 1 घंटा ज़्यादा ये है चार्जिंग टाइम लेगी, लेकिन जो रेंज है लगभग आपको डबल देगी, ठीक है ना। तो भाई हो चुकी है और सारी बातें इस स्कूटर के बारे में। तो अभी प्राइस भी जान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही अंडर 1 लाख की ये स्कूटर है। तो इसका जो प्राइस है 90 से लेकर 95,000 के अंदर इसका आने वाला है इसका अनलोड प्राइस, जैसे कि रजिस्टर्ड व्हीकिल है तो सब कुछ मिला के बता रहा हूँ, सब्सिडी वगैरह सब काट कूट के। लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से अभी 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली, अगर आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी पहुँच जाएगी। तो ये है भाई ओकिनावा की न्यू रिच 100, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में चलने वाली है भाई, क्योंकि 150 रेंज देने वाली सबसे कम प्राइस में ये स्कूटर आपको अभी मिलेगी ओकिनावा की तरफ से। तो भाई यही था आज का वीडियो इस स्कूटर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलता है रोड में, धन्यवाद।